हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एडविज लर्निंग इन आर प्रीवियस सेशन वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेट 4.2 विद द कंसेप्ट ऑफ वॉट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट थोड़ा सा अगर हम चैप्टर के शुरुआत से देखेंगे तो इन द फर्स्ट पार्ट वी सॉ वॉट इज जी एस टी एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड एंड इन द सेकेंड पार्ट वॉट वी सॉ वॉज द ट्रेडर्स द डीलर्स हु परचेज द गुड्स They are paying the GST. They are also collecting the GST. In such cases, there comes something called as input tax credit into the picture. And what is that and how that is calculated? We have seen in the previous lecture and we have also solved some questions on that. Let us move ahead. We are now starting with the fourth question of the practice set 4.2. Let us first understand the question. The question says that Malik gas agency. चंदीगढ़ यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। when it comes to union territory, आपको यूनियन टेरिटरी के टाइम पे नहीं लगता महाराष्ट्र कर्नाटका गोवा वेन यू आर डूंग इट फॉर अटेट देर कम्स सी जीएसटी एंड एस जीएसटी बट वेन यू आर डूंग इट फॉर यूनियन टेरिटरी लाइक चंडीगढ़ देयर कम्स सी जी एस टी एंड यू टी जीएसटी यूनिटरी यूनियन टेरिटरी जीएसटी बस इतना ही फर्क है बाकी कुछ कंसेप्ट बदलता नहीं है कैलकुलेशन मिल रिमेन सेम व क्वेश्चन क्वेश्चन से गैस एजेंसी परचेज दैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सोल्ड देम टू लोकल कस्टमर्स फॉर रूपीज ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड परचेज किया सेल भी किया फाइंड द जी एस टी टू बी पेड एट रेट ऑफ फाइव परसेंट एंड हें जी एस टी एंड यूटी जीएसटी टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन सी जी एस टी एंड नॉट एस जी एस टी यू टी जी एस टी ये आपको यहां पर कैलकुलेट करना है सो इन दिस सोल्यूशन आई विल फर्स्ट राइट डाउन द गि थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली आई विल कैलकुलेट द थिंग्स वन बाई वन सो हियर फर्स्ट राइट डाउन द गि थिंग्स now what are those given things we are given that malik gas agency purchased the cylinders so for malik gas agency for malik gas agency when he is purchasing it means purchase price is given when he is purchasing it means the purchase price of the cylinders is given which is rupees 24500 when you purchase a good and you pay the gst the gst paid is called as the input gst gst paid is called as the input gst for that we are given the rate of gst the rate of gst in this question is 5% and therefore we calculate what is the input gst input gst here so input gst is equal to the 5% of rupees 24500 so let us calculate this it is equal to 5 upon 100 into 24000 फाइव हंड्रेड जीरो गेट कैंसल्व दैट अमाउंट इज रुपीज था टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी सो एक बार हम फिर से देखेंगे तो परचेज किया एट द टाइम ऑफ परचेज द टैक्स पेड इज कॉल्ड एज इनपुट जीएसटी एंड दैट इनपुट जीएसटी वी ऑलरेडी है Now this gas agency is going to sell those cylinders and therefore the selling price is selling price is given in the question which is rupees 26,500 and for selling also the rate of GST remains the same yad rahe that when it is for a particular goods. गुड्स अगर सेम है फिर खरीदते समय हो या बेचते समय हो द रेट ऑफ जीएसटी इज गोइंग टू रिमेन द सेम विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एज फाइव परसेंट सो यू हैव द रेट ऑफ जी एस टी फाइव परसेंट यूजिंग दैट आई कैन कैलकुलेट दट इज जी एस टी वैल्यू बट दिस टाइम वेन द सिल्डर्स आर सोल्ड द जी एस टी इज कलेक्टेड एंड द जी एस टी विच इज कलेक्टेड इज कॉल्ड एज आउटपुट जीएसटी एंड डेरफोर यहां पर आप जो कैलकुलेट करोगे वो होगा आपका आउटपुट जीएसटी now what is output gst it is 5% of the selling price which is 26,500 calculating this it is 5 upon 100 into 26,500 the zeros they get cancelled when we multiply 5 with 265 we will get rupees 5 5s 5 are 25 5 6s are 30 plus 2 is 32 टेन प्लस थ्री थर्टीन इज रुपीज था हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव अब मेरे पास ये दोनों वैल्यूज आ गए क्वेश्चन में पूछा हुआ है इज जीएसटी पेएबल पेबल कैलकुलेट वी इज जीएसटी पेएबल वी नो दैट जीएसटी पेएबल इज द आउटपुट जीएसटी माइनस द इनपुट जीएसटी सो वी हैव आउटपुट जीएसटी

सेम एज वट इज एस जी एस टी ओनली थिंग इज दिस इज नॉट स्टेट इट इज यूनियन टेरेटरी एंड डेर फोर देर वी कैलक्यूलेट यू टी जी एस टी तो लिखते समय आप ध्यान से लिखोगे दैट डेयर फोर सी जी एस टी इज इक्वल टू यू टी जी एस टी इज इक्वल टू दाफ ऑफ जीएसटी ऑब्वियसली हंड्रेड रुपीज का हाफ आपको करना है विच इज इक्वल टू रुपीज फिफ्टी एंड दट इज दंसर सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट वॉट इज द वैल्यू ऑफ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी सॉरी दिस इज नॉट एस जी एस टी टी जी एस टी ध्यान रहे ये गड़बड़ अगर आपने एग्जाम में कर दिया आदत की वजह से एस जी एस टी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे सो दिस इज द ट्विस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट हियर इन स्टेड ऑफ आस्किंग इट फॉर अ स्टेट द क्वेश्चन इज आस्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंगली आंसर में आप एस जी एस टी नहीं लिखोगे आप लिखोगे यूटी जीएसटी आई होप आप ये ऑलरेडी लिखा होगा एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इन माइ क्वेश्चन वी आर गिवन दैट द गैस गैस एजेंसी इज फ्यू सिलेंडर्स फॉर सम अमाउंट अमाउंट जो दिया है वो आपका परचेज प्राइस है वी हैव द रेट ऑफ जीएसटी गिवन सो यूजिंग दैट परचेज प्राइस एंड द रेट ऑफ जीएसटी वी फर्स्ट कैलकुलेट वॉट इज इनपुट जीएसटी द टैक्स विच इज पेड इज कॉल्ड एज इनपुट जीएसटी सो इनपुट जीएसटी इज फाइव परसेंट ऑफ द परचेज प्राइस फाइव परसेंट ऑफ परचेज प्राइस कैलकुलेट करने पे हमें मिलता है रुपीज वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव फर्दर वॉट वी डिड इज यूजिंग दिस इनपुट जीएसटी हम अब कैलकुलेट करेंगे वट इज आउटपुट जीएसटी फॉर दैट द सिलेंडर्स आर सोल्ड एट प्राइस वो भी दिया हुआ है यूजिंग द सेम रेट ऑफ जीएसटी वी कैलकुलेट वट इज आउटपुट जीएसटी विच इज फाइव परसेंट ऑफ ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैलकुलेटिंग दैट द वैल्यू गोज टू वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव अब मेरे पास इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी दोनों है हम जीएसटी पेबल कैलकुलेट करेंगे हाफ कर लोगे तो हमें सी जी एस टी एंड यूटी जीएसटी भी मिल जाता है एंड दैट कंप्लीट द आंसर फिर से एक बार रिपीट करता हूं इन दिस क्वेश्चन आपको बता दूट नेक्स्ट क्वेश्चन में वी आरिंग ऑलमोस्ट द सेम थिंग यू नीड टू कैलकुलेट वॉट इज जीएसटी वॉट इज इनपुट जीएसटी वॉट इज आउटपुट जीएसटी एंड हेन्स वॉट इज जीएसटी पेएबल वो जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है सो आई गेस अब तक आपने ये सब पार्ट लिखा होगा हम बढ़ते हैं आगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने एज ए सेट आई एम गिविंग इट फॉर होमवर्क सो इन प्रैक्टिस सेट फोर पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर फाइव यू आर गोइंग फॉर होमवर्क एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वॉट वी डिड इन दी क्वेश्चन नंबर फोर आपको जीएसटी कैलकुलेट भी करना है सब करना है और जीएसटी पेबल फाइंड करना है सो दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव वो आपको होमवर्क में करना है नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्स नाउ दिस इज वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सी द क्वेश्चन क्वेश्चन इज आपको टैक्स इन बनाना है वट इज टैक्स इन एकदम जनरल लैंग्वेज में बात करोगे तो इट इज नथिंग बट द बिल आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए तो आपको होटल वाला बिल देता है नहीं देता है दैट इज डिफरेंट पर लेकिन जो बिल बनाएगा जिसमें जीएसटी लगाकर लिखेगा जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा दैट बिल इज कॉल्ड एज टैक्स इन दैट बिल इज कॉल्ड एज टैक्स इन जनरली एक ट्रेंड है कि हम जब होटल में खाना खाने जाते हैं ना तो हम बिल लिए बगैर ही निकल जाते हैं हम टिप देते हैं ना वेटर को और बिल लिए बगैर निकल जाते हैं है, वो प्रॉफिट कमा रहा है वो सब कुछ नहीं दिखाएगा जो कलेक्ट करेगा कुछ अमाउंट तो नहीं दिखाएगा ना बिकॉज यू आर गोइंग टू पे इट इन कैश यू आर नॉट गोइंग टू पे इट इन कार्ड एंड ऑल आजकल कार्ड देते हैं बच्चे बट फिर भी पहले के जमाने की या, अभी भी रिसेंटली बात करेंगे तो मेनी एट द टाइम्स कस्टमर्स पे द बिल्स इन कैश साथ में टिप भी रखते हैं बट दे फॉरगेट टू कलेक्ट द बिल आप जब बिल खरीदना बिल लेना भूल जाते हो इट मीनस यू आर गिविंग अ चांस टू दैट होटल कि आप थोड़ा गपला कर लो आप थोड़े पैसे गवर्नमेंट को नहीं दिखाओ वो नहीं दिखाएगा तो उसको उसका जीएसटी पे करने की जरूरत है ही नहीं सो दिस इज समथिंग विच नीड टू बी थॉट सीरियसली एनीवेज हम क्वेश्चन में आते सोशल ज्ञान थोड़ा कम कर लेते हैं क्वेश्चन में बोला गया है प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस टू कंज्यूमर ध्यान रहे ये बात बी टू सी नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस बी टू बी एंड बी टू सी इन दिस क्वेश्चन वी आर प्रिपेयरिंग इट फॉर बी टू सी नाउ व्हेन इट इज बी टू सी और व्हेन इट इज बी टू बी क्या फर्क है सिंपल ध्यान में रखना है देन व्हेन इट इज बी टू बी When it is B2B, आपको दो जीएसटी नंबर लिखने पड़ते हैं क्योंकि दोनों बार बिजनेसमैन है इट मीन दोनों के जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड होने जरूरी है लेकिन अगर आप बी टू सी लिख रहे हो तो कंज्यूमर को आप जब डायरेक्ट बिल दे रहे हो तो उसका जीएसटी नंबर से लेने देना नहीं है ऐसे क्यू बिकॉज गवर्नमेंट वेन कलेक्ट द टैक्स वो रिकॉर्ड में चेक करता है कि ये आपने जीएसटी किसी को पे किया है कि नहीं किया फॉर दैट ही रिक्वायर दी एस टी नंबर ऑफ बोथ द ट्रेडर्स तो हम यहां पर बी टू सी करने वाले यानी जो बेच रहा है उसका जीएसटी नंबर आएगा लेकिन जो खरीद रहा है उसका जीएसटी नंबर नहीं आएगा वेन यू आर डूंग इट फॉर बी टू बी बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों का भी आपको जीएसटी नंबर लिखना होगा वेरी गुड हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इन माई नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है राइट द नेम ऑफ द सप्लायर एड्रेस स्टेट डेट इनवॉइस नंबर जीएसटी आई एन एक्सेट्रा मतलब आप जब टैक्स इनवॉइस बनाते हो तो आपको टैक्स इनवेट में क्या क्या लिखना पड़ता है ऐसे उसने एक हेडिंग दिया हुआ है इन सब चीजों को आपको टैक्स इनवॉइस में बिल में लिखना पड़ता है उसके बाद आप जीएसटी नंबर भी लिखोगे इनवॉइस नंबर भी लिखोगे बिल नंबर जीएसटी नंबर कंपलसरी है डेट आना बहुत जरूरी है डेट ऑफ परचेज मस्ट बी देयर क्योंकि वो किस फाइनेंशियल ईयर में लेता है देता है ये कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को डेट कंपल्सरी लगता है एंड देन वी आर गिवन द पर्टिकुलर्स कि मोबाइल की बैटरी खरीदी गई है हेडफोन्स खरीदे गए उसके रेट एंड इज गिवन वी आर आल्सो गिवन द एचएसएन कोड आई होप यू रिमेंबर इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव सीन व्हाट इज एचएसएन कोड एचएसएन कोड इज द कोड गिवन फॉर एवरी गुड्स जिस पर से ये मालूम पड़ता है कि इसका रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा एंड बाय द वे यहां पर रेट ऑफ जीएसटी उसने ऑलरेडी दिया हुआ है कितने कर, खरीदे गए वन पीस वन पीस वन पीस ऑफ मोबाइल बैटरी एंड वन पीस ऑफ हेडफोन खरीदा है अफकोर्स कस्टमर ने खरीदा है तो एक एक ले रहा है ना कस्टमर क्यों चार चार पांच पांच लेगा हाँ लेकिन अगर मैं किसी दुकान वाले की बात करूंगा बिजनेस टू बिजनेस बी टू बी की बात करूंगा तो वो होलसेल से खरीदते समय पांच बैटरी एक साथ खरीद सकता है पांच मोबाइल फोन्स एक साथ खरीद सकता है दस हेडफोन्स एक साथ खरीद सकता है तो ये डिपेंड करता है

इन दी टैक्स इन वॉयस ऑफ बी टू सी ये कुछ चीजें हैं कॉमन है हर बार लिख सकते हो सिर्फ कुछ चीजें हैं कॉमन सेंस वाली आपको ध्यान में रखनी लाइक ये पहला लाइन कॉमन है सब जगह पे रहेगा तो लिखोगे टैक्स इन वॉयस ऑफ गुड्स परचेज फिर आप लिखोगे महालक्ष्मी मोबाइल सोल्यूशन नाउ नॉट नेसेसरी वो मोबाइल का ही दुकान हो वो आपके गुड्स पर डिपेंड करता है अगर यहां पर मोबाइल की बैटरी और हेडफोन नहीं होती है इन प्लेस ऑफ दैट इफ वी हैव समथिंग लाइक शुगर मिल्क एंड एवरीथिंग तो मैं यहाँ पे महालक्ष्मी जनरल स्टोर लिखूंगा अगर वहां किसी बुक्स की बात होती है तो आई राइट महालक्ष्मी स्टेशनरी शॉप यानी ये आपका कॉमन सेंस आपको बताएगा कि गुड्स कौन से है उसके बेसिस पे आप टैक्स इनवॉयस बना रहे सो मोबाइल की एक्सेसरीज है तो आई एम राइटिंग इट एज महालक्ष्मी मोबाइल सोल्यूशन जौनपुर कुछ भी हो सकता है यू कैन टेक इट रैंडमली इनवॉइस नंबर इज कम्पल्सरी जो बेच रहा है उसका मोबाइल नंबर यानी दुकान का मोबाइल नंबर आप वहां पे लिखोगे और उसका ईमेल आईडी लिखोगे एंड देन यू विल राइट द जीएसटी नंबर्स इनवॉइस मेंशन करना नहीं करना दैट इज डिपेंडिंग क्योंकि यहां पे ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है एंड देन फाइनली डेट ये सारी चीजें कंपल्सरी रैंडमली लिख सकते हो बट कंपल्सरी ओके और उसमें कॉमन सेंस कहां पर अप्लाई करना है यहां पर बाकी तो आप एज इट इज कॉपी कर लो तो भी चल जाएगा ओके okay. ऑबियसली uh, एक और चीज कॉमन सेंस का यहां पे लग सकता है ना बिकॉज इफ यूर नेम ऑफ शॉप इज चेंजिंग देन मस्ट बी चेंजिंग कॉमन सेंस एनी आगे बढ़ते हैं अब मैं आप देखोगे तो जो पर्टिकुल लिखे हुए हैं उसके लिए हमने ये सब बनाया है तो अकॉर्डिंगली हम लिखते जाते हैं देर आर टू पर्टिकुलस सो सीरियल नंबर वन एंड टू वॉट इज एच एस एन कोड फॉर द फर्स्ट पर्टिकुलर वो है एट फाइव जीरो सेवन 8507 दिस इज फॉर विच प्रोडक्ट इट इज फॉर मोबाइल बैटरी जो है वही लिख रहे हैं ना हम लोग मोबाइल बैटरी यानी अगर आप ये कॉपी कर लेते हो ना पूरा टेबल या ये पूरा टेबल आप याद कर लेते हो तो आपको सिर्फ ये चीजें बदलनी है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन रेट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मोबाइल बैटरी इट इज गिवन इट इज रुपीज टू हंड्रेड तो यहां आएगा रुपीज टू हंड्रेड कितने बैटरीज खरीदने वाला है वन एंड ऑफ कोर्स डिस्काउंट विस्काउंट होगा तो माइनस होगा लेकिन यहां पे डिस्काउंट मेंशन नहीं है तो जितना है उतने का ही हो लेगा टू हंड्रेड दो बैटरी होते हैं तो रुपीज फोर हंड्रेड आ जाएगा एंड एस जीएसटी ना वॉट इज द रेट ऑफ जीएसटी फॉर बैटरी इट इज ट्वेल्व परसेंट तो उस हिसाब से सी जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड एट सिक्स परसेंट एस जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड एट सिक्स परसेंट अमाउंट ऑफ टैक्स कितना होगा सिक्स परसेंट ऑफ टू हंड्रेड तो सिक्स अपॉन हंड्रेड इन टू टू हंड्रेड टैक्स बनता है रुपीज ट्वेल्व विच इज सी टैक्स बनता है विच इज ट्वेल्व विच इज एस एंड देयरफॉर टोटल वैल्यू विंड्रेड प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर यानि मोबाइल की बैटरी एक्चुअली टू हंड्रेड रुपीज की है बट जीएसटी अप्लाई होने के बाद में उसका टोटल कॉस्ट बनता है रुपीज टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर यहां पर उसको खरीदना है नेक्स्ट वाले का एच एस एन कोड दिया हुआ है एट फाइव वन एट एट फाइव वन एट वॉट इज द प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज हेडफोन इट इज द हेडफोन ट इज द रेट रेट इज रुपीज सेवन फिफ्टी हाउ मेनी हेडफोन्स आर परचेज वन तो उस हिसाब से टैक्सेबल अमाउंट भी आपका सेम होगा रेट ऑफ जी एस टीवन इज बदल देगा ना इट इज एटीन परसेंट हिस्टर तो उसका हाफ होता है नाइन परसेंट फॉर सी जी एस टी उसका हाफ होता है नाइन परसेंट फॉर एस जी एस टी कैलकुलेट नाइन परसेंट ऑफ सेवन फिफ्टी कितना आएगा अमाउंट

कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे नहीं चलेगा लेकिन दोनों अमाउंट सेम होते हैं तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूंगा ना इट विल बी डायरेक्टली रिटर्न इट इज 67.5 हियर आल्सो अब देखो टोटल कितना बनता है दिस टोटल अमाउंट इज 60 6120 120 प्लस 15 इज 135 135 प्लस 750 135 प्लस 750 इज 885 तो ₹ 885 एंड एटी फाइव टोटल हम जब लिखेंगे ना तो टोटल कौन से कौन से लिखोगे यू विल राइट टोटल फॉर दी टैक्सेबल अमाउंट विच इज रुपीज नाइन यू विल ऑल्सो राइट द टोटल फॉर दी सीजीएसटी अमाउंट विच इज रुपीज सिक्सटी ऑबियसली जो एस जी एस टी होगा वो भी सेम होगा इट इज रुपीज सेवेंटी नाइन पॉइंट फाइव एंड फाइनली इन दोनों का एडिशन जो है दैट इज रुपीज फाइव प्लस फोर इज नाइन एट प्लस टू इज टेन एट प्लस टू इज टेन एंड वन दैट इज रुपीज वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड नाइन एंड दिस इज हाउ एंटायर बिल गोज इन योर बुक सो ये आपके आंसर में होना चाहिए आप अगर थोड़ा ध्यान दे कर रहे हो यहां पे दिस इज एंटायरली कॉपी पेस्ट आप कुछ नया नहीं कर रहे एक्सेप्ट दिस पूरा पूरा का कॉपी पूरा पेस्ट है और उस कॉपी पेस्ट को करने के लिए आपका ये पूरा जो टेबल है या बिल है वो आपको बायट होना चाहिए मैंने कहा यू विल राइट एवरीथिंग इन योर बुक कॉपीड कॉमन सेंस से आपको यहां पे और यहां पे अप्लाई करना है बाकी सब सेम रहेगा बिल नंबर भी सेम रखोगे तो भी क्या फर्क पड़ता है नो वन इज गोइंग टू टेक दैट दैट कैन बी रिटर्न रैंडमली ओके सो दिस यू हैव टू राइट आई एम गिविंग यू थर्टी सेकेंड्स राइट डाउन दिस एंड देन विल गो अहेड। अगर मैंने बी टू सी नहीं बोला और बी टू बी बोला होता तो थोड़ा बिल में चेंज आएगा वो हम इसके आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे वेन आई एम डूइंग इट फॉर बी टू बी वट इज द चेंज चेंज इज आपको वहां पे दो बार जीएसटी नंबर लिखने पड़ते हैं जो परचेजर है उसका भी डिटेल आएगा जो सेलर है उसका भी डिटेल्स आएगा सो so, वो कैसे कर सकते हैं दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके आई होप यू हैव कंप्लीटेड दिस विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस आप देख सकते हो यहां पर बी टू बी वाला पार्ट है और रिसिपेंट business business, के लिए खरीदने वाला एंड आइटम्स कौन से है तो पेंसिल बॉक्से देखो इस बार आपके मोबाइल की एक्सेसरीज नहीं है तो मोबाइल शॉप डेफिनेटली नहीं रहेगा हा बी टू बी है तो दोनों बिजनेस एसोसिएट जो होंगे वो रिलेटेड टू इस गुड्स होंगे यानी पेंसिल बॉक्स खरीदने वाले और बेचने वाले, puzzles, ये भी कुछ खरीदने वाले, बेचने वाले ही है kind of puzzle, only, या खरीदा जा सकता है अकॉर्डिंगली देख सकते हो मैंने एक टैक्स इनवॉयस यहाँ पे रखा हुआ है इन माइ टैक्स इन वॉयस देखो मेरे बहुत कुछ कॉमन चीजें टैक्स इनवॉयस ऑफ गुड्स परचेज ये सेम है ये नहीं बदलने वाला पहला पार्ट जो है वहां पर भी बहुत सारी चीजें सेम ही रखे मैंने सप्लायर का नाम है महालक्ष्मी स्टेशनरी जवहार एनी थिंग फर्क नहीं पड़ता इन वॉइस नंबर जीएसटी आई एन रैंडमली लिख दो लिखते समय ध्यान में रखना है फर्स्ट टू विल बी नंबर्स फाइव विल बी अल्फाबेट्स अगेन फोर विल बी नंबर्स वन अल्फाबेट वन नंबर एंड देन अल्फाबेट्स लास्ट के दो अल्फाबेट्स ए जेड कॉमन रहते हैं हमेशा मोबाइल नंबर आप कुछ भी लिख लो ईमेल कुछ भी कर दो देन रिसिपेंट के लिए भी सेम लिखना है अब रिसिपेंट में देखो क्या क्या कहोगे okay. नाम लगेगा मोबाइल नंबर लगेगा ईमेल लगेगा जीएसटी लगेगा वापस डेट लिखने की जरूरत नहीं डेट कॉमन चलेगा तो डेट मैंने एक ही बार लिखा होगा ऑलरेडी मेंशन कर लिया है तो वापस रेसिपेंट के टाइम में इनवॉइस नंबर लिखने की जरूरत नहीं दोनों भी केसेस में इट वॉज महालक्ष्मी स्टेशनरी तो यहां पे नाम है महालक्ष्मी बुक्स एट द रेट गैंग डॉट कॉम और हरी बुक्स है तो हरी बुक्स एट द रेट गैंग डॉट कॉम सो ये नेम्स और ईमेल ये कॉमन सेंस वाली बातें वो आपको बराबर लिखना है ना आगे वाला पार्ट आप देखोगे तो एवरीथिंग इज सेम ये तो नहीं बदलने वाले कॉलम्स आपको ऐसे ही रखना है नाउ जस्ट गो ऑन राइटिंग द थिंग्स कॉपिंग द थिंग्स राइटिंग बोलूंगा उससे अच्छा मैं बोलूंगा कॉपी करते चलो पहले क्या लिखोगे तो देर आर टू आइटम्स तो वन टू सीरियल नंबर्स आ गए एच एस एन कोड्स आर गिवन यहां पर है थ्री नाइन टू फोर और यहां पर है नाइन फाइव जीरो थ्री नेम ऑफ द प्रोडक्ट है हियर वी हैव पेंसिल बॉक्स पेंसिल बॉक्स है कंपोज बॉक्स बोल सकते हो नेक्स्ट आई हैव जिक्स पजल हियर

टू थाउजेंड एंड हंड्रेड इंटू फिफ्टी इज रुपीज फाइव थाउजेंड टोटल करना था ना तो यहां पर हम कर लेते हैं तुरंत इट इज रूपीज सेवन थाउजेंड द रेट ऑफ जीएसटी इज गिवन ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट दोनों बार सेम है तो सी जी एस टी विल बी सिक्स परसेंट एस जीएसटी विल भी सिक्स परसेंट फॉर बोथ द प्रोडक्ट ट इज सिक्स परसेंट ऑफ टू थाउजेंड तो दो जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे सिक्स टू ज्वेल्व तो यहां पर होगा टैक्स रुपीजन टी का यहां पर भी होगा रुपीजेंटी वन ट्वेंटी प्लस इज टू फोर्टी टू थाउजेंड प्लस टू फोर्टी इज रुपीज टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी ग्रेट सिक्स परसेंट ऑफ फाइव थाउजेंड विल बी जीरो जीरो गेट्स कैंसल सिक्स फाइव थर्टी थर्टी है यानी एक्रो हंड्रेड रुपीज तो इट इज रुपीज थ्री हंड्रेड हियर ऑल्सो इट विल बी रुपीज थ्री हंड्रेड सो टोटल हो गए सिक्स हंड्रेड प्लस फाइव थाउजेंड दट इज रुपीज फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जस्ट एड टोटल वैल्यूज दिस इज रुपीज थ्री हंड्रेड प्लस ट्वेंटी वन ट्वेंटी दैट इज फोर ट्वेंटी

देर यू विल राइट ओन दी वन जीएसटी नंबर जो सप्लायर है जो बेच रहा है जो सेलर है उसका जीएसटी नंबर आएगा एंड दर इज बी टू बी जहां पर आपको दोनों के जीएसटी नंबर लिखने होते हैं सप्लायर एज वेल एज दी बायर सो दीज आर द्वेश्चन ऑफ मेकिंग दैक्स इन वॉयस अगर एग्जाम में आता है कोई भी टाइप ऑफ टैक्स इन वॉयस तो इट विल कम फॉर थ्री मार्क्स सो विथ दिस वी कंप्लीट दी प्रैक्टिस सेट फोर पॉइंट टू

GST and for that आई टी जीएसटी हमने ये पहले ही देखा हुआ है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है फॉर अवर सिलेबस वी डोट तो हम डायरेक्टली उसके आगे वाले पार्ट में आते विच इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट इट इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट तो अब तक हम क्या कर रहे थे बिजनेस खरीदना बेचना जीएसटी एवरीथिंग अब हम क्या करेंगे तो फॉर अ पर्सन हु हैज सम अर्निंग है इज समथिंग इंपॉर्टेंट कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट उसे उसे जमा करना बचाना ये भी एक पार्ट इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर यू हैड ऑलरेडी डेल्ट विद सम इन्वेस्टमेंट पार्ट जिसमें आप एल आई सी पोस्ट एफ डी ऐसे टाइप के इन्वेस्टमेंट की बात करते थे हम यहाँ पे कुछ इस तरह के इन्वेस्टमेंट की बात करें जहां पर रिलेटेड टू मार्केट शेयर पार्ट आता है आप देख सकते हो देर इज डिफरेंट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या क्या है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं आर्ट्स एंड एंटीक्स है यानी आप जाके परचेज करो घर पे रखो आराम से तो गोल्ड हो सकता है उसमें ज्वेलरी हो सकती है कमोडिटीज है आप कुछ चीजें बना लो घर पे एज एन एसेट वो आपका एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है रियल इस्टेट यू कैन परचेज फ्लैट्स लैंड प्लॉट एंड ऑल एंड यू कैन कीप इट जैसे कॉस्ट बढ़ेगा आप उसको बेच दो और बढ़ा दो पैसे आपका ये भी एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स एंड ई टी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम इस पर्टिकुलर लेसन में करने वाले हैं एंड स्टॉक मार्केट सो हमारा जो मेन फोकस अभी यहां पे इस लेसन का है दैट इज द स्टॉक मार्केट एंड द म्यूचुअल फंड यह एक्टली क्या है ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग विथ शेयर्स वेन इट कम्स टू शेयर मार्केट आपने ये बहुत बार सुना होगा शेयर्स मुझे तो यहां तक की जानकारी है शायद कि आप में से कुछ लोगों ने स्कैम ऐसा एक वेब सीरीज आया था वो भी देखा होगा एंड इन दैट वेब सीरीज ऑल्सो यू माइट है अगर मुझे शेयर की बात करनी तो यहां पर आप देख सकते हो शेयर शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल द वैल्यू ऑफ शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट विथ अदर डिटेल्स एंड इट इज कॉल्ड ए शेयर सर्टिफिकेट तो एग्जैक्टली exactly शेयर होता क्या है तो शेयर इज नथिंग लाइक अ थिंग बट इट इज नॉट यूजफुल वाला पार्ट यानी फॉर एक्साम्पल आप जाके टीवी खरीदते हो तो आप टीवी यूज करते हो शेयर ऐसा यूज नहीं होता शेयर इज अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी मान लो एक मेरी कंपनी है और इस कंपनी को मुझे बड़ा बनाना है ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग कंपनी है और इसके कुछ कस्टमर्स भी है और मुझे इसको बड़ा बनाना है तो मैं क्या करूंगा आई विल इशू दब्लिक शेयर आई विल इशू अ पब्लिक नोटिस से I want amount for the raise in the capital. मेरे कंपनी के कैपिटल को बढ़ाने के लिए मुझे अमाउंट चाहिए फिर ये अमाउंट कहाँ से आएगा तो मैं कुछ शेयर इश्यू करूंगा फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने कर, कर दिया कि हर एक शेयर को सौ रुपया आप सौ रुपए इन्वेस्ट करो और कंपनी के मालिक बन जाओ देखो अगर मैं आपसे कहता हूं पांच लाख दस लाख दो तो शायद आप नहीं दोगे अ कॉमन मैन के नॉट थिंक ऑफ पेइंग दैट बट अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि पे हंड्रेड रुपीज एंड बिकम द पार्टनर इन दंपनी तो ऑब्वियसली आप वो कर सकते हो तो आप क्या करोगे सौ रुपए में एक शेयर है ना तो अगर आपके पास पैसे ज्यादा है मान लो आपके पास दो सौ रुपए तो आप दो शेयर ले लो अगर आपको फाइव हंड्रेड रुपीज इन्वेस्ट करें तो यू कैन गो फॉर फाइव शेयर तो आप नंबर ऑफ शेयर बढ़ा सकते हो घटा सकते हो दैट इज योर चॉइस इस तरह से मुझे कितना कैपिटल चाहिए उतने ही मैं शेयर्स बेचूंगा मुझे ज्यादा पैसे देने की परमिशन नहीं होती गवर्नमेंट हैज है एग्जाम्पल मान लो मुझे वन रुपीज ही में चाहिए। तो हंड्रेड रुपीज के शेयर कितने बेचूंगा सिर्फ दस शेयर 10, 10 तो खरीदने वाला एक इंसान हो सकता है टेन शेयर खरीदने वाले टेन अलग अलग इंसान भी हो सकते हैं मुझे क्या चाहिए थाउजेंड था। 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 रुपीज वो मुझे मिल गया अगर टेन अलग अलग पर्सन ने उसको खरीदा है तो नाउ दे आर माई टेन पार्टनर्स इन माई कंपनी अब ये टेन पार्टनर्स मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स दे विल रिटर्न एक्सपेक्टिंग द प्रॉफिट तो उन्हें मैं क्या दूंगा तो मेरे कंपनी में जो प्रॉफिट होगा उसका उनको मैं शेयर दूंगा सो so ये पूरा हमारा लेसन है जैसे ही वो मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद कर मेरा पार्टनर बन जाता है तो उसका नाम बदल जाता है ही इज नॉट नाउ पार्टनर नाउ ही इज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर इज नथिंग बट द पार्टनर तो यहां पे लिखा हुआ है पर्सन हु ओन्स द शेयर इज कॉल्ड ए शेयर होल्डर जिसके पास शेयर है वो है मेरा शेयर होल्डर वो है मेरा पार्टनर द शेयर होल्डर इज अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी इन द प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ शेयर शी होल्ड जितने शेयर उसने खरीदे उस प्रपोर्शन में वो कंपनी का पार्टनर है मतलब कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो उसी शेयर में उसी रेशियो में उसको उसका प्रॉफिट मिलेगा मान लो अगर दस शेयर्स में से एक बंदा है जिसने 5 शेयर्स खरीदे हैं और बाकी जो पांच अलग अलग लोग हैं उन्होंने फाइव शेयर खरीदे यानी टोटल पार्टनर्स कितने हो गए छह तो जब भी मुझे प्रॉफिट देना होगा मान लो वन थाउजेंड रुपीज का प्रॉफिट मैं दे रहा हूं तो ऑब्वियसली दस शेयर के शेयर होल्डर्स के हर एक का हर एक शेयर के पीछे बनेगा हंड्रेड रुपीज का, का प्रॉफिट तो जो पहले वाला पार्टनर है जिसके ऑलरेडी फाइव शेयर है वो मेरे फाइव हंड्रेड रुपीज लेगा प्रॉफिट में से बिकॉज ही इज हैविंग द मेजर होल्ड ऑन द शेयर्स तो इस तरह से वो पार्ट चलता है शेयर होल्डर को प्रॉफिट उसके शेयर्स के रेशियो में मिलेगा नाउ ये सब मैनेज कहां पे होता है तो दैट इज इन दी स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक एक्सचेंजेस में स्टॉक्स के प्राइजेस होते हैं यानी एक बार ये शेयर मार्केट में आ जाते हैं तो शेयर आने के बाद में शुरुआत में हमने हंड्रेड रुपीज रखा था जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट बनाते जाएगा उस शेयर के प्राइस में इंक्रीज होती है देखो मैं क्या बोल रहा हूं नंबर ऑफ शेयर नाउ एक बार मैंने डिक्लेयर किया कि मुझे दस शेयर बेचने दस बेच दिए आफ्टर दैट आई के नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर कंपनी का जैसे जैसे ग्रोथ होगा वैसे वैसे शेयर की वैल्यू बढ़ते जाएगी बट नंबर ऑफ शेयर नहीं बढ़ेगी तो जो शेयर शुरुआत में हंड्रेड रुपीज में था कंपनी के ग्रोथ होने के बाद में हंड्रेड रुपीज का शेयर विल बी कम हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज का अब इस दौरान इस दौरान जो मेरे शेयर होल्डर्स है उनके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं दे विल सी द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इफ दे आर हैप्पी दे कैन कीप माई शेयर एंड बी द पार्टनर ऑफ द कंपनी लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं अब उन्हें पैसे की जरूरत है एंड दे फील कि हाँ ये सफिशियंटली बढ़ गया है तो जैसे ही हंड्रेड रुपीज का शेयर वन सिक्सटी रुपीज का बन जाएगा तो दे हैव दिन दैट दे कैन सेल दैट शेयर दे कैन सेल इट टू कंपनी दे कैन सेल इट टू दी अदर शेयर होल्डर्स दे कैन सेल इट टू न्यू पर्सन ऑल्सो जब एक नए बंदे को वो बेचेंगे तो वो मेरा पार्टनर बन जाएगा बिकॉज ही हैज द द शेयर ऑफ कंपनी नाउ सो जिस किसी के पास वो शेयर सर्टिफिकेट होगा उसे वो कंपनी का पार्टनर हम बोल सकते हैं तो तो जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट बना रहा है तो उस पर्टिकुलर शेयर की जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू जो पहले था वो मार्केट वैल्यू नहीं था अब जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू और जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट करेगा मार्केट वैल्यू गो ऑन इनक्रीजेस जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगा तो मार्केट वैल्यू फॉल्स ओके सो जो शेयर आपका हंड्रेड रुपीज का था वो बढ़कर हंड्रेड एंड ट्वेंटी का हो सकता है हंड्रेड एंड थर्टी का हो सकता है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया तो वो फिर से वन ट्वेंटी पर भी आ सकता है हंड्रेड पे भी आ सकता है नाइनटी पे भी जा सकता है एंड ये जब जब बढ़ रहा है तब तब कंपनी अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को जो शेयर देता है जो प्रॉफिट का पार्ट देता है दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड सो डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी व्हिच इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स सो दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे मालूम होने चाहिए इस चैप्टर में से फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन में हम मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू शायद मैंने फेस वैल्यू नहीं बताया आपको फेस वैल्यू इज द इनिशियल प्राइस ऑफ द शेयर शेयर हम जब शुरुआत करते हैं ना बेचना तब जो होता है कॉल्ड लेसन so जो मुझे इस part में करना है मैं के कर सकता हूं। थोड़ा सा अगर हम फास्ट में इसको रिवाइज करने की बात करते हैं तो वॉट इज इंपॉर्टेंट थिंग इज शेयर क्या है इट इज सर्टिफिकेट गिवन टू दर्सन एज द कंपनी पार्टनर्स एज द कंपनी पार्टनर्स जैसे ही शेयर कोई खरीदता है तो द पर्सन विल बिकम द शेयर होल्डर एंड द शेयर होल्डर इज नथिंग बट इनडायरेक्ट पार्टनर ऑफ दी कंपनी शेयर होल्डर को बेनिफिट क्या है तो जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट करता है शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ते जाएगा जो शुरुआत में हंड्रेड रुपीज की मैं बात कर रहा था दैट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू और जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है डिपेंडिंग ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी वॉट वैल्यू शेयर आफ्टरवर्ड इज कॉल्ड एज दी मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू बिकॉज मार्केट में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके उसके प्राइस कर होगा अगर अच्छा करता है तो एंड डेरफोर इट इज कॉल्ड एज दार्केट वैल्यू तो जब भी कंपनी का शेयर बिकता है तो वो मार्केट वैल्यू पे बिकता है नॉट फेस वैल्यू पे देखो जब भी शेयर मार्केट में बिकता है इट इज सोल्ड और परचेज ऑन दी मार्केट वैल्यू एंड वेन एवर दिक्लेयर्ड इट इज ऑलवेज डिक्लेय ऑन दी फेस वैल्यू कंपनी का जो प्रॉफिट कंपनी शेयर करता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे देगा सो यह इंपॉर्टेंट से याद रखना परचेज एंड सेल आर ऑलवेज डन ऑन दार्केट वेल डिविडेंड इज ऑलवेज डिक्लेयर ऑन दैल तो जब भी क्वेश्चन डिविडेंड का है तो आप फेस वैल्यू के बारे में सोचोगे जब भी क्वेश्चन शेयर खरीदने और बेचने के बारे में तो यू विल थिंक ऑफ दी मार्केट वैल्यू एक बंदा एक ही शेयर खरीदेगा ऐसा रिस्ट्रिक्शन है क्या तो नहीं वन पर्सन कैन परचेज और सेल एनी नंबर ऑफ शेयर उसके पास पैसे उतने इन्वेस्ट अगर उसको कर रहे हैं तो जितने उसको शेयर मिल सकते हैं उतने वो खरीद सकता है उतने वो बेच भी सकता है सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसमें मैंने आपको बताया दैट फेस वैल्यू इज इनिशियल प्राइस ऑफ द शेयर मार्केट वैल्यू इज प्राइस ऑफ द शेयर बेस्ड ऑन दर्फॉर्मेंस ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन द मार्केट एंड इट इज कॉल्ड एज द मार्केट वैल्यू जब भी शेयर खरीदना हो बेचना हो हम मार्केट वैल्यू पे बेचेंगे मार्केट वैल्यू पे खरीदेंगे जब भी डिविडेंड देना हो लेना हो तो हम फेस वैल्यू पे लेंगे सो दी जा इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको मालूम होने चाहिए यूजिंग दिस थिंग्स वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन इन दी प्रैक्टिस सेट फोर पॉइंट थ्री दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन थैंक यू वेरी मच Have a nice time.